नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डीएस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह की महादशा में सूर्य की अंतरदशा के फल को लेकर। शुक्र की महादशा हो और उसमें अंतर सूर्य का हो तो ये अवधि एक साल की होती है। यदि कुंडली में सूर्य उच्च राशिगत मित्र राशि में या खुद की राशि में अथवा शुभ ग्रहों के साथ युति है अथवा दृष्टिगत हो रहे हैं या कुल मिलाकर शुभ ग्रहों के साथ प्रभाव में है, और इसी तरह से शुक्र भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, उच्च राशिगत है, स्वराशि या मित्र राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आने पर जातक को मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। जातक को कामकाज नौकरी धंधे में लाभ प्राप्त होता है। उच्च वर्ग के लोगों से मेल जोल बढ़ता है। पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होता है। चूंकि सूर्य और शुक्र के बीच का जो संबंध है वो अनौपचारिक है, इसलिए सूर्य किसी भी तरह से शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता ही है, जिसकी वजह से धन में थोड़ी प्रगति होती है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चुनौतियां भी जीवन में बनी रहती हैं। कुल मिलाकर शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आने पर शुक्र और सूर्य की कुंडली में शुभता होने के बावजूद भी कोई अत्यधिक विशेष सुफल प्राप्त नहीं होते। लेकिन इसके विपरीत यदि कुंडली में शुक्र अशुभ प्रभाव युक्त है और सूर्य नीच राशिगत या शत्रुओं की राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्टिगत या युति बनाए हुए हैं या पाप ग्रहों के प्रभाव में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आने पर जातक की उसके माता पिता से कलह होती है, भाइयों से जातक को कष्ट मिलता है, शैया सुख में कमी आती है और व्यवर्थ में लोगों से शत्रुता बढ़ती है। अनेक समस्याएं एवं बाधाएं उत्पन्न होती है जिसका निराकरण करते करते जातक थक जाता है। नेत्र, कुक्षी, कपोल, इन स्थानों पर जातक को बीमारी का सामना करना पड़ता है। राजा से भय प्राप्त होता है। गुरुजन, कुटुंब, घर के आदमी और अपने बंधुओं से उसे पीड़ा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर इस अंतरदशा का फल उत्तम नहीं है। परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के साथ नोकझोंक होती है। यह वह समय है जब केवल और केवल ईमानदार प्रयासों से कुछ हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ दुश्मन या विपक्षी भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते दिखेंगे और उसमें वो सफल भी होंगे। इसके अलावा आपको चारों ओर से मिलने वाले समर्थन में भी कमी की महसूस करेंगे आप, उसमें कमी महसूस होगी आपको। यह दशा विशेष रूप से जातक को आंखों, सिर, पेट और हृदय को नुकसान पहुंचाती है, उसको प्रभावित करती है। कुल मिलाकर शुक्र की महादशा में सूर्य के अंतरदशा का जो एक वर्ष की अवधि का जो फल है वो शुक्र और सूर्य की शुभता के बावजूद भी कोई अत्यधिक विशेष सुफलता वाला ये फल कथन नहीं है। अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य की स्थिति प्रतिकूल हो जाए, कमजोर हो जाए, निर्बल हो जाए, अशुभता ले रहे हो तो फिर अशुभ फलों की भरमार लगी रहती है। तो दोस्तों, ये था शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का फल कथन। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा के फल को लेकर के। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।